हेलो बाल दोस्तों, एजुक टेक्नो चैनल में आपनु स्वागत छे। आज आपणे शीखीशुं धोरण 8 विषय अंग्रेजी यूनिट 1 आई विल बी धैट, जे बीजा सत्रमां आवे छे। यूनिट 1 नी एक्टिविटी 3 थी 5 सुधीनी अहीं आपणे समज मेळवीशुं। एक्टिविटी 3 थी 5 सुधीनी तमाम एक्टिविटीनी समज अहीं आपणे भाषांतर साथे समजीशुं। तो चालो शीखीए धोरण 8 विषय अंग्रेजी यूनिट 1 आई विल बी धैट एक्टिविटी 3 थी 5 सुधीनी समझ। सर्वप्रथम एक्टिविटी 3 ए રીડ ધ ફોલોઇંગ પેસેજ। નીચે આપેલો આ ફકરો છે તે વાંચવાનો છે અને તેના આધારે નાવ ધ કમ્પ્લીટ સેન્ટેન્સીસ, આ વાક્યને છે પૂર્ણ કરવાના છે। સૌપ્રથમ આપણે ફકરો વાંચીશું અને ત્યારબાદ नीचे कोष्टक में आपेला वाक्य पूर्ण करवानो प्रयत्न करीशुं। पहेलुं वाक्य छे जॉन इज एक्रोबेट। जॉन एक बजाणियो छे, एटले के दोरडा उपर चालवा वाळो व्यक्ति छे। ही वर्क इन ध ग्रेट ग्लोबल सर्कस। ते ग्रेट ग्लोबल सर्कस में काम करे छे। ही प्रेक्टिस वेरी हार्ड फॉर हिज शोज। ते पोताना शो माटे खूबज हार्ड एटले सखत मेहनत करे छे। ही केन परफॉर्म ऑन अ लाइट हाई स्विंग। ते ऊंचा हिस्सा पर परफॉर्म करी शके छे। ही केन राइड अ मोनोसाइकल। ते नानी साइकल चलावी शके छे। ही केन वॉक ऑन ध रोप एट ग्रेट हाइट। खूबज ऊंचा दोरडा पर ते चाली शके छे। ही केन वॉक एटले चाली शकवू। बट हवे ए शुं नथी करी शकतो ते वात छे। बट ही केन नॉट राइड अ हॉर्स। ते घोड़ो चलावी शकतो नथी। ही केन नॉट जम्प थ्रू अ फायर रिंग। ते सळगती रिंग मांथी पसार एटले के कूदको मारीने जई शकतो नथी। ही केन नॉट प्ले ट्रिक्स लाइक जोकर। ते जोकर जेवी विविध प्रवृत्ति करी शकतो नथी। अहींया हवे कोष्टकमां आपणे जॉन शुं करी शके छे अने शुं नथी करी शकतो ते आ फकराने आधारे लखवानुं छे। तमे जोई शको छो अहींया आपेलुं ज छे के ही केन परफॉर्म हाई स्विंग, ऊंचा हिंचका पर ते परफॉर्म करी शके छे। ही केन राइड मोनोसाइकल, ते साइकल चलावी शके छे। ही केन वॉक रोप एट ग्रेट हाइट एटले ऊंची हाइट ऊपर एटले के खूबज ऊंचे आवेला दोरडा पर ते चाली शके छे। अने शुं नथी करी शकतो ते अहींया आपेलुं छे। बट ही केन नॉट राइड हॉर्स, घोड़ो चलावी शकतो नथी। ही केन नॉट जम्प थ्रू फायर रिंग, सळगती रिंगमांथी ते कूदको मारीने पसार थई शकतो नथी। ही केन नॉट प्ले ट्रिक्स लाइक जोकर, जोकर जेवी प्रवृत्ति करी नथी शकतो। तो अहींया आपणे एक बाजू जॉन केन, जॉन शुं करी शके छे, जॉन केन नॉट, जॉन शुं करी शकतो नथी ते लखवानुं छे। जॉन केन मां आपणे लखी शकीए ही केन परफॉर्म ऑन हाई स्विंग, ही केन राइड अ मोनोसाइकल, ही केन वॉक ऑन रोप एट अ ग्रेट हाइट। त्यारबाद ही केन नॉट ए शुं करी शकतो नथी ते फकराने आधारे ज लखीशुं। ही केन नॉट राइड अ हॉर्स, ही केन नॉट जम्प थ्रू अ फायर रिंग अने ही केन नॉट प्ले ट्रिक्स लाइक जोकर्स। આવી રીતે जॉन શું કરી શકે છે અને जॉन શું કરી શકતો નથી, ही केन, जॉन केन અને जॉन केन नॉट તે અહીંયા લખવાનું છે। ત્યારબાદ એક્ટિવિટી 3B વર્ક ઇન ગ્રુપ્સ, જોડીમાં કાર્ય કરવાનું છે। लिस्ट 5 डिफरेंट वे इन विच यू कैन एंड कैन नॉट यूज अ रूलर। तमारे 5 जुदी जुदी वस्तुओं लखवानी छे। यू कैन अने कैन नॉट तमे करी शको छो अने नथी करी शकता। यूज रूलर फूटपट्टी वडे तमे शुं करी शको छो अने फूटपट्टी वडे शुं करी शकता नथी ते जुदी जुदी थिंक डिफरंटली, जुदू जुदू विचार करीने जवाब लखवानो छे। यू कैन राइट मोर आंसर्स एंड पुट देम ऑन ध नोटिस बोर्ड। तमे आनेथी वधु जवाब आपी शको छो अने तमारा वर्गखंडमां तमारा नोटिस बोर्ड पर लखी शको छो। अहींया लखवानुं छे यू केन तमे करी शको छो ते अने यू केन नॉट तमे करी शकता नथी ते। फूटपट्टी वडे तमे शुं शुं करी शको छो अने फूटपट्टी वडे शुं करी शकता नथी ते लखवानुं छे। एक एक वाक्य अहींया आपेलुं छे। पहेलुं छे वी केन डिग अ होल विथ अ रूलर। आपणे छे होल पाडी शकीए छीए कागळ के कोई वस्तुनी अंदर फूटपट्टी वडे एनो छेड़ो लईने होल पाड़ी शकीए छीए। अने वी केन नॉट ड्रॉ अ सर्कल विथ अ रूलर। फूटपट्टी वडे वर्तुळ दोरी शकता नथी। एवी रीते तमे फूटपट्टी वडे शुं करी शको छो ते डाबी बाजू लखवानुं छे, शुं करी शकता नथी ते जमणी बाजू लखवानुं छे। तो चालो आपणे लखीए वी केन एटले के आपणे करी शकीए तेमां लखीशुं वी केन मेक स्ट्रेट लाइन विथ अ रूलर। આપણે ફૂટપટ્ટી વડે સીધી લીટી દોરી શકીએ છીએ। वी केन मिक्स ज्यूस विथ अ रूलर, આપણે કોઈ પણ જ્યુસને મિક્સ કરી શકીએ છીએ। वी केन प्ले गेम विथ अ रूलर, આપણે ફૂટપટ્ટી વડે કોઈક ગેમ પણ રમી શકીએ છીએ। 5 वी केन ओपन लीड ऑफ बोटल विथ अ रूलर, આપણે કોઈ બોટલનું ઢાંકણું પણ फूटपट्टी वडे खोली शकीए छे। आना सिवाय फूटपट्टी वडे शुं शुं करी शकीए छे ते पण तमे लखी शको छो। मैं लखेला वाक्य ज लखवा जरूरी नथी, अहींया मात्र समज माटे मैं वाक्य लख्या छे। पछी यू केन नॉट, तमे शुं करी शकता नथी, एमां आपणे लखी शकाय वी केन नॉट कट क्लॉथ विथ अ रूलर, आपणे छे रूलर वडे कपड़ा कापी शकता नथी। वी केन नॉट ड्रिंक ज्यूस विथ अ रूलर, आपणे रूलर वडे ज्यूस पी शकता नथी। वी केन नॉट फ्लाय अ काइट विथ अ रूलर, आपणे फूटपट्टी वडे पतंग उड़ावी शकता नथी। वी केन नॉट पेंट विथ अ रूलर, आपणे फूटपट्टी वडे चित्र दोरी शकता नथी। आ रीते आपणे शुं करी शकीए छीए अने शुं करी शकता नथी ते अहींया लखवानुं छे। मैं लखेला ज वाक्य लखवा जरूरी नथी, तमे तमने मनगमता अन्य वाक्य पण लखी शको छो। त्यारबाद एक्टिविटी 4 वर्क इन पेर। वॉट केन यू पेट डॉग डू फॉर यू कम्प्लीट ध पेरेग्राफ, एटले के जोड़ी में काम करवानुं छे। वॉट केन योर पेट डॉग, तमारो पाळेलो कुतरो तमारा माटे शुं करी शके छे ते अहींया लखवानुं छे। अहींया थोड़ाक वाक्य आपेला छे। आई हेव अ पेट डॉग, मारी पासे एक पाळेलो कुतरो छे। इट इज वेरी क्यूट, ते खूब ज सुंदर छे। इट हेज लॉन्ग एंड स्कर्ली हेयर, तेनी पासे लांबा अने मुलायम वाळ छे। इट नेम इज टॉम, तेनुं नाम टॉम छे। इट इज लाइक माय फेमिली मेम्बर, ते मारा फेमिली मेम्बर एटले घरना एक सभ्य जेवो छे। इट केन डू मेनी थिंग्स फॉर मी, ते मारा माटे घणा बधा थिंग्स एटले कार्यो करी शके छे। इट केन कैच ध बॉल वेन वी प्ले, अमे ज्यारे रमीए छीए, वेन वी प्ले अमे ज्यारे रमीए छीए। इट केन कैच ध बॉल, ते दड़ो पकड़े छे। इट केन कैरी माय स्कूल बेग, ते मारी स्कूलनी बेग पण उठावी ले छे। આવી રીતે તમારો કૂતરો તમારા માટે શું કરે છે તે અહીંયા લખવાનું છે। હું તમારા જેવા એક વિદ્યાર્થીની વાત લખું છું, તમારે તમારો કૂતરો તમારા માટે શું કરી શકે તે લખવાનું છે। તો લખી શકાય ઇટ કેન ફાઇન્ડ માય સ્કૂલ શૂઝ, તે મારા શાળાએ જવા માટેના સ્કૂલ શૂઝ, શાળાએ જાઉં ત્યારે જે બૂટ પહેરી જાઉં છું તે શોધી શકે છે। ઇટ કેન ઓલ્સો કેરી માય વોટર બેગ, તે મારી વોટર બેગ પણ ઉઠાવી લે છે। ઇટ કેન ઓપન ધ ડોર ફોર મી વેન આઈ કમ, હું જ્યારે આવું છું ત્યારે મારા માટે દરવાજો ખોલે છે। ઇટ કેન બ્રિંગ ન્યૂઝપેપર ફ્રોમ ધ ડોર, તે બારણેથી ન્યૂઝપેપર પણ ઉઠાવી લે છે। ઇટ કેન હેલ્પ માય મધર ટુ કેરી હર બાસ્કેટ વેન શી ગોઝ ટુ ધ માર્કેટ, મારી મમ્મી જ્યારે માર્કેટમાં જાય છે ત્યારે તેની ટોપલી ઉપાડી લે છે। ઇટ કેન વોક વિથ મી ઇન મોર્નિંગ, તે મારી સાથે સવારમાં ચાલવા આવે છે। ઇટ કેન પ્લે હાઇડ એન્ડ સીક વિથ મી, તે મારી સાથે સંતા કુકડી રમે છે। ઇટ કેન ક્લીમ ઓન ધ ટ્રી, તે ઝાડ પર પણ ચડી શકે છે। ઇટ કેન પ્રોટેક્ટ માય હાઉસ ફ્રોમ ધ થીવ્સ, એ મારા ઘરને ચોરથી બચાવે છે। ઇટ કેન રન અ રેસ વિથ મી, તે મારી સાથે દોડે પણ છે। માય પેટ ડોગ ઓલવેઝ કમ વિથ મી એન્ડ હેપી વિથ અસ, મારો પાળેલો કૂતરો હંમેશા મારી સાથે રહે છે અને ખુશ રહે છે। તો આવી રીતે તમે તમારો પાળેલો કૂતરો તમારા માટે શું કરે છે તે લખી શકો છો। ત્યારબાદ નાવ કમ્પેર યોર પેરેગ્રાફ યોર પાર્ટનર, એટલે તમારા વિદ્યાર્થી મિત્ર સાથે હવે તમે લખેલો ફકરો સરખાવો। ત્યારબાદ એક્ટિવિટી 5 એની અંદર આપેલી છે રીડ ટુ ડાયલોગ્સ ગીવન બિલો। અહીંયા બે ડાયલોગ્સ આપેલા છે તે વાંચવાના છે અને સમજવાના છે। પહેલો ડાયલોગ છે પિંકી સેઝ, પિંકી કહે છે આઈ એમ હંગ્રી મમ્મી, હું ભૂખી થઈ છું મમ્મી। કેન યુ ગીવ મી સમ બિસ્કિટ્સ, તમે મને થોડા બિસ્કિટ આપશો। મમ્મી સેઝ હિયર ધેર, આ રહ્યા। પિંકી સેઝ થેન્ક યુ મમ્મી, પિંકી કહે છે આભાર મમ્મી તમારો। બીજા ડાયલોગ છે નૈના સેઝ, નૈના કહે છે આઈ ડુ નોટ હેવ અ મોબાઈલ, મારી પાસે મોબાઈલ નથી। કેન આઈ યુઝ યોર મોબાઈલ, હું તારો મોબાઈલ વાપરી શકું। મીના કહે છે નો સોરી, ના સોરી તું વાપરી શકે નહીં। નૈના સેઝ ઇટ્સ ઓકે, નૈના કહે છે ઓકે કાંઈ વાંધો નહીં। આવી રીતે બે સંવાદ આપેલા છે। હવે આપણે એક્ટિવિટી 5B ની અંદર વર્ક ઇન પેર્સ કમ્પ્લીટ એન્ડ ઇનેક્ટ ધીસ ડાયલોગ અહીંયા અધૂરા સંવાદ આપેલા છે તે પૂર્ણ કરવાના છે અને તમારા મિત્રો સાથે આ સંવાદ નાટકની જેમ ભજવવાના છે। તો આપેલા સંવાદ પૂર્ણ કરીએ। યુ એટલે કે તમે કહો છો યુ સેડ આઈ ડોન્ટ હેવ મની મારી પાસે પૈસા નથી। વોન્ટ ટુ બાય અ શર્ટ શર્ટ ખરીદવા માટે આઈ વોન્ટ ટુ બાય અ શર્ટ મારે એક શર્ટ ખરીદવો છે પણ મારી પાસે પૈસા નથી। કેન યુ ખાલી જગ્યા ત્યારે તમારો મિત્ર કહે છે યસ ત્યારે તમે શું કહેશો તે લખવાનું છે। એટલે કે તમારી પાસે પૈસા નથી અને તમે તમારા મિત્રને પૂછશો કે કેન યુ ગીવ મી 500 રૂપીસ તું મને 500 રૂપિયા આપીશ અથવા તમે એમ પણ કહી શકો કેન યુ ગીવ મી સમ મની તમે મને થોડા પૈસા આપશો ત્યારે તમારો મિત્ર કહેશે યસ ઓફકોર્સ હા જરૂર આપીશ ત્યારે તમે કહેશો થેન્ક યુ વેરી મચ આઈ વિલ રિટર્ન યોર મની સૂન તારો ખૂબ ખૂબ આભાર હું તારા पैसा जल्दी पाछा आपीश आउ तमे कही शको छो। आ रीते तमे आ डायलॉग पूर्ण करी शको। त्यारबाद बीजू छे रश्मि से रश्मि कहे छे माय स्कूटी हेज अ प्रॉब्लम टुडे आजे मारी स्कूटी में प्रॉब्लम छे आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट मारे मार्केट में जवुं छे क्या नहीं खाली जग्या शू हूँ तमारी स्कूटी वापरी शकूं एवुं एनी बेनपणी कोमल ने पूछती हशे त्यारे रश्मि पाछी फरीथी बोले छे बट इट इज अर्जंट परंतु मारे खूबज उतावल छे अर्जंट छे जरूरी छे बट इट इज अर्जंट मारे अत्यंत जरूरी छे त्यारे कदाच कोमले ना पाड़ी हशे एटला माटे एणे कीधुं हशे इट इज अर्जंट। तो अहींया खाली जग्यामां लखीशुं यूज योर स्कूटी हूँ तारी स्कूटी वापरी शकूं। कोमल से सॉरी आई ऑल्सो गो आउट हूँ पण बहार जाऊं छुं एवुं कदाच कोमले कीधुं होय त्यारे रश्मिए कीधुं होय के बट इट इज अर्जंट। आ रीते तमे संवाद पूर्ण करशो। त्रीजो संवाद छे वेदांश सेज वेदांत कहे छे आई वॉन्ट टू गो टू बरोडा मारे बरोडा जवानी इच्छा छे आई डोंट नो ध टाइम ऑफ ध नेक्स्ट ट्रेन हवे पछीनी ट्रेननो समय मने खबर नथी त्यारे ते जयने पूछतो हशे अने वेदांश शुं जवाब आपतो हशे। जय मात्र नो कहे छे ए आपणने खबर छे। तो बंद बेसतुं वाक्य बनावी अने खाली जग्या पूरवानी छे। तो वेदांश कहे छे केन यू हेल्प जय कहे छे नो आई एम न्यू हियर ना हूँ तो अहींया नवो छूं मने केम खबर होय एम। त्यारे वेदांश कहे छे ओ इट्स ओके ओ कोई वांधो नहीं। आवी रीते वेदांशे कदाच जवाब आप्यो होय। मैं लखेलो जवाब ज आवो जरूरी नथी तमे तमे विचारीने बीजो कांई जवाब पण लखी शको छो। तेथी मैं लखेलो जवाब ज लखवो एवी कोई जरूरियात नथी। मैं मात्र समजवा माटे अहीं जवाब लखेलो छे। तमे तमारा विचार मुजब जवाब लखी शको छो। थैंक यू दोस्तों। एड्यूक टेक्नो चैनल तरफथी वीडियो निहाळवा बदल आपनो आभार। आवा बीजा वीडियोज निहाळवा माटे अमारी यूट्यूब चैनल एड्यूक टेक्नो अत्यारे ज सब्सक्राइब करो। आभार दोस्तों।